हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीयूष सुदन। और आज सेकंड वीडियो मैं रिपेयरिंग के रिगार्डिंग बनाने जा रहा हूँ, जिसमें हम आपको फीड डॉग मतलब दंदाल चेंज करना सिखाएंगे। जो बोरी खिंचाई अच्छी नहीं करती, अगर आप मशीन के बीच यहाँ पे बोरी डालोगे स्लिप मारती है, खिंचाई अच्छी नहीं करती, धागा मोटा आ रहा है मतलब कि सिलाई मोटी आ रही है, तो वो दंदाल की प्रॉब्लम होती है। दंदाल को चेंज करने से पहले हम पटरी को खोलेंगे, पटरी खोलने के बाद दंदाल चेंज करेंगे। पटरी के ये तीन स्क्रू या चार स्क्रू, किसी में तीन लगे होते हैं किसी में चार लगे होते हैं, वो खोलेंगे और ध्यान से पटरी के नट हमेशा ध्यान से खोल लें, क्योंकि ये पतले नट होते हैं, ये अंदर टूटने के डर होता है। तो जब भी अगर टाइट हो तो यहाँ पे थोड़ी सी सट मार दें, ऐसे यहाँ पे थोड़ी सी मतलब कि, ताकि नट को जर्क लग जाए और नट लूज़ हो जाए। उसके बाद ये चीज़ होती है, इसको ऊपर करेंगे और पटरी को निकाल देंगे, ठीक है। अब ये होता है फीड डॉग, जिसको हम दंदाल बोलते हैं। ये देखें ये, और ये एल की बोल्ट लगा हुआ है, इसको हम खोलेंगे एल की से, 4 mm की एल की लगेगी इसको। ये देखिए, ये दंदाल जो है ये घिसा हुआ है, इसको निकालेंगे। अब ये नया दंदाल है, इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने से ये पहले ये देख लीजिए, जो मैंने पुराना दंदाल निकाला हुआ था तो उसमें क्या हुआ है, ये देखो मैं क्लोज़ करके बताता हूँ आपको। ये क्लोज़ कीजिए इधर, हाँ ये देखिए, उसमें एक ये वाशर लगी हुई है। ये वाशर क्यों लगी हुई है आपको बता दूंगा। सबसे पहले हम वाशर के बगैर इसको फिट करते हैं। अभी जो ये दो वाशरें थी जो पुराने दंदाल को लगी थी, ये हमने निकाल के सिंपल तरीके से अभी किया है, इसको वाशर को हमने लगाया नहीं है। अब ये वाशर क्या काम करते हैं मैं अभी बताता हूँ आपको। अभी हम जो पटरी है वो पटरी दोबारा से लगाएंगे। हमेशा नट को जो है टाइट बाद में करना है, पहले जितने भी नट लगते हैं या तीन या चार लगते हैं पटरी को, वो लगा के, तीन से भी चल जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं होती अगर तीन भी लगते हैं आपकी पटरी को नट तो, लेकिन अगर चार लगेंगे तो ज़्यादा पकड़ बन जाती है, खुलना मुश्किल हो जाता है, नामुमकिन हो जाता है। तो ये चीज़ पटरी हमने लगा दी है। अब देखिए, अब जो वो वाशल थी, वो वाशल इसलिए लगी हुई थी क्योंकि जब हम दंदाल फिट करते हैं तो ये देखिए आप, ये मैं बताऊंगा, ये देखो, ये जो गैप है पटरी का यहाँ से भी और यहाँ से भी, ये परफेक्ट गैप है। अगर ये गैप अगर पीछे हो, मतलब कि अगर ये दंदाल पटरी को लग रहा हो, तो उस केस में हम वो वॉशर फिट करते हैं। अब ये देखिए, अब मैं बताता हूँ आपको, ये पीछे वाला जो इसका दांता है, आगे वाला दांता तो ठीक है दोनों तरफ से जगह है, लेकिन पीछे वाले दांता देख लो यहाँ से टच हो रहा है पटरी को। ये देखिए, देखा आपने, ये देखिए यहाँ से बताओ, ये देखिए टच हो रहा है ना। अब बस इस टच को थोड़ा सा दूर करना है हमने, टच नहीं होना चाहिए दंदाल पटरी से, टच नहीं होना चाहिए ना ही यहाँ से ना यहाँ से। अब यहाँ से टच हो रहा है, इसका मतलब एक वॉशर डाल के हम देखेंगे, अगर एक वॉशर में यहाँ पे गैप बन रहा है तो फिर हम एक वॉशर ही रखेंगे, ठीक है। तो दोबारा से खोलना पड़ेगा हमें। देखिए अब ये दोबारा से हम करेंगे, पहले वाले में दो पड़ी थी,
इसकी एडजस्टमेंट एक वॉशल मांग रही है तो एक डालेंगे, दो मांग रही है तो दो डाल देंगे। अब डायरेक्ट आप पटरी लगे हुए भी डाल सकते हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इस कारण से, दोबारा से मैं खोल के बिल्कुल डिटेल से आपको बता रहा हूँ, पटरी लगे हुए भी डाल सकता है। वो कैसे डाल सकता है वो किसी और वीडियो में आपको बताएंगे। तो गाइस जितने भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलते रहे नॉलेजेबल। और अगर मेरी मदद से कोई अपना काम खोल पा रहा है तो इससे बड़ी बात हो नहीं सकती मेरे लिए। अब ये देखिए, अब मैं दोबारा से बता देता हूँ आपको। अब एक वॉशल डालने के बाद गैप देखिए, अब ये देखो गैप है ना, गैप बना ना। अभी देखिए मैं थोड़ा सा लाइट आपको बता देता हूँ दूसरे मोबाइल से लाइट करके। ये देखिए गैप बन गया, यहाँ से भी देखिए दोनों तरफ से गैप बन गए। तो इसका मतलब ये एक वॉशल की एडजस्टमेंट ठीक रही। तो गाइस जैसे ही इंस्टॉल आप कर देते हैं दंदाल को, दो चीज़ों का पक्का ध्यान रखना है। पहली चीज़, आपको आप पुली को घुमाओ, देखिए दंदाल ने प्रेशर फुट को उठाया, जैसे ही नीचे आता है तो बिल्कुल ये सीधा नीचे आना चाहिए, मतलब कि ये चाल नहीं चलनी चाहिए। जैसे ही कभी कभी दंदाल होता है ना ऐसे करके नीचे आता है, ऐसे करके, वैसे करके नीचे नहीं आना चाहिए। ये देखो पूरा का पूरा नीचे, ये एक साथ पूरा नीचे आ रहा है। तो अगर बाई चांस आगे से दंदाल नीचे हो, पीछे से या पीछे से नीचे हो, तो वो क्या होता है, चाल बन जाती है, तो वो भी गलत सेटिंग होती है। तो उस सेटिंग को करने के लिए ये ब्लॉक के नीचे ये दो स्क्रू लगे होते हैं। ये देखो ये लगे होंगे दो स्क्रू, ये ब्लॉक में स्क्रू लगे होते हैं जो कि इसको एडजस्ट करते हैं हाइट को, इसकी दंदाल की हाइट कितनी होनी चाहिए, पटरी से कितना ऊपर होना चाहिए। और अगर ये अगर पीछे वाला नीचे हो, अगर ये ऊपर हो, ये आगे वाला अगर ऊपर होगा, पीछे वाला अगर नीचे होगा, तो ये दंदाल की शेप थोड़ी सी ऊपर इस तरह ऐसे आ जाएगी। तो वो क्या होगा, पहले ये चीज़ ऊपर आ जाएगी, पहले ये चीज़ नीचे चली जाएगी। तो इस कारण से ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो भी एडजस्ट करना आप सीख लेंगे। तो उसके बाद जो ये चीज़ जब ऊपर आता है दंदाल, तो ये देख लेना जो ये चीज़ गैप होता है, और ये पूरा दोनों ये दोनों जो दांते हैं, दोनों ये साइडें हैं, ये बिल्कुल इसके बिल्कुल बराबर बैठी होनी चाहिए। वो आप चेक करेंगे यहाँ से, ये देखो यहाँ से आप चेक कर लेना। ये देखिए आपको इस तरफ से कोई रोशनी, मतलब यहाँ से कोई गैप नहीं आ रहा ना, इन दोनों के बीच से कोई गैप नहीं आ रहा। ये देखिए कोई गैप नहीं दिख रहा, पैर और दंदाल के बीच से कोई गैप आपको नहीं दिख रहा। अगर गैप दिखेगा, अगर आपको इसमें गैप दिखेगा, तो आपको ये पीछे वाला दंदाल, इधर वाला आपको क्या करना पड़ेगा, ग्राइंड करना पड़ेगा, थोड़ा सा घिसना पड़ेगा, इसके दांते घिसने पड़ेंगे। तो आई होप आपको समझ आई होगी। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए।